नमस्कार, आप सभी का जनता का राज में बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम आपको एक अद्भुत कवरेज दिखाने वाले हैं, एक अद्भुत शख्स से आपकी मुलाकात कराने वाले हैं। हम इस वक्त हमीरपुर जिले के चौली गांव में हैं और आप देखेंगे हमारे साथ सीरज पाल हैं, जिन्हें आप खली का छोटा भाई कह सकते हैं, जिन्हें आप कलयुग का भीम कह सकते हैं। तो हम सब कुछ सिलसिलेवार ढंग से जानते हैं, सीरज से भी जानते हैं उनकी लंबाई के बारे में और क्या क्या रोज़मर्रा के जीवन में वो फेस कर रहे हैं। जब विद्यालय में पढ़े हैं तो कैसे रहे हैं, क्या टोंट ताने जो हैं अपने साथ पढ़ने वालों के सहने पड़े हैं, क्या जो गांव के लोग हैं वो कुछ कहते हैं, सीरज के सपने क्या हैं और साथ ही साथ सीरज को भविष्य में करना क्या है। तो सीरज, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता के राज में। सबसे पहले तो अपनी लंबाई बताइए, कितनी लंबाई है आपकी? 7 फुट 2 इंच है। 7 फुट 2 इंच है। और अपने खली हैं जो आपको बता दें वो 7 फुट 1 इंच के हैं। और हम आपको बता दें हमारे साथ दैनिक जागरण के पत्रकार साथी माता दीन जी भी मौजूद हैं, जिन्होंने खबर छापी उसके बाद रेला सा लग गया और कई सारे पत्रकार यहाँ पर चौली गांव में आए हैं और कवरेज करके लेके गए हैं। तो ये बताइए माता दीन जी, आपने नापी है लंबाई जो 7 फुट 2 इंच है? हाँ, मैंने इनकी लंबाई नापी है जो 7 फुट 2 इंच है। जब हमने देखा कि खली जी की लंबाई 7 फुट 1 इंच है, खली से ऊपर हैं, तो क्यों नहीं हमारे गाँव और देश का नाम रोशन कर सकते हैं यदि इनको प्रमोट किया जाए। तो सीरज, बात करते हैं लंबाई आपकी कब से बढ़ना शुरू हुई, कब से नोटिस किया? लंबाई बढ़ना 2018 से शुरू हुई थी। 2018 से? जन्म कब का है आपका, उम्र कितनी हुई अभी आपकी? 18 साल उम्र है अभी और मैं 2004 में जन्म हुआ था। 2004 में जन्म हुआ है जी। 18 साल उम्र है वो 2018 से। तो कैसे, मतलब रोज कितना बढ़े हैं या महीनों में कितना बढ़े हैं, कुछ तो अंदाजा किया हो? कोई अंदाजा नहीं है। 2018 तक लंबाई कितनी थी और कुछ नापा हो, अंदाजा हो? नॉर्मल थी, सभी बच्चों के समान दर थी। उस समय जब एकदम से लंबाई बढ़ी तो क्या डॉक्टरों से दिखाया आपने, कुछ बातचीत करी? अभी भी डॉक्टरों से कोई संपर्क नहीं किया है, ना किसी डॉक्टर ने कुछ बताया है? कभी चर्चा में आप बने रहे हैं, अखबारों में आए हैं, बड़े बड़े चैनल्स पर आए हैं, नहीं तो कभी किसी ने नहीं किया है। सीरीज, बनना क्या है, क्या सपना है आपका, क्या सोच रहे हैं भविष्य में कि हम क्या कर पाएंगे और क्या सपने थे आपके? मैं खली जी जैसे बनना चाहूँ, खली जी नाम रोशन किया, मैं भी करना। अच्छा, खली जी जैसे बने हैं, मतलब WWE में खली जी गए हैं तो आपको भी WWE में जाना है? तो आपने संपर्क साधा है किसी से, कोई रेसलर हो जो इससे जुड़ा हुआ हो? नहीं, लक्ष्मीकांत राजपूत है बांदा में वाले। अच्छा, तो उनसे मिले थे तो रुपए ज्यादा बता रहे थे। अच्छा, कितना चार्ज बताया उन्होंने? 30 लाख रुपए बता रहे थे। 30 लाख रुपए बता रहे थे तीन साल में। तीन साल में की फीस लगेगी। तो वो कोई कोचिंग कराते हैं, क्या कराते हैं? नहीं तो पहले जब आए थे अमेरिका लड़के, तो जब बता रहे, जब मिले तो बस नेक्स्ट बात मिले। बिल्कुल, तो आप देख लीजिएगा ये सबके तरफ, सबके चेहरों के तरफ एक बार कैमरा घुमा दीजिएगा और सबकी लंबाई भी देख लीजिएगा आप लोग कि सबकी लंबाई कितनी है और हमारे सीरज जो है उनकी लंबाई कितनी ज़्यादा है। और साथ ही साथ यहाँ पर हम आपको बता दें इस वक्त हम खेतों में मौजूद हैं क्योंकि सीरज अपने माता पिता के कामों में हाथ बटाते हैं और फिलहाल सीरज की भैंसें जो हैं यहीं कहीं चल रही होंगी, ऐसी है सीरज? जी। तो क्या क्या काम करते हैं आप घर में, हाथ बटवाते हैं काम में? मैं सब जो काम है हमारे घर में सब करता हूँ, मजदूरी भी करने जाता हूँ, भैंस भी चराता हूँ, कटाई भी सब चीज़ें कर लेते हैं। अभी फिलहाल भैंस आप लिए जी। ये बताइए, कपड़े हो गए आपके, जूते हो गए, जूते भी अभी दिख रहे हैं आपने, बताओ क्या होता है, कहाँ से मिलते हैं, क्या प्रॉपर साइज मार्केट वाला हो जाता है? नहीं, मार्केट वाला नहीं, ऑनलाइन मंगवाते हैं, ऑर्डर देके स्वयं। ऑनलाइन ऑर्डर देते हैं? कितने नंबर जूता होता है ये? 16 नंबर जूते लगते हैं। 16 नंबर जूते लगते हैं। और टी शर्ट वगैरह ये भी ऑर्डर देखे? 4XL। हाँ जी, 4XL होता है। ये बताइए, आप जब विद्यालय में पढ़े होंगे तो कभी कभी ऐसा होता है जब कोई एबनॉर्मल होता है तो बच्चे कुछ ना कुछ कहते हैं, तो क्या आपको भी इस चीज़ से गुजरना पड़ा है? हाँ, लोग हंसते हैं कि इतना लंबा है, सब लोग हंसी उड़ाते हैं। तो जब अगर कोई आगे से हंसी उड़ाता है ना, तो आप खली का एग्जांपल दीजिएगा कि देखिए खली है, मैं खली से 1 इंच जो है लंबा हूँ, तो आपको तारीफ करनी चाहिए मेरी, ऐसे ही है सीरज जी? ये बताइए, अगर खली आपको देखते हैं या और भी लोग हैं जो देखते हैं, उनसे क्या अपील है आपकी, क्या करें वो खली अगर देखें आपको, खली से क्या अपील करना चाहेंगे, आपको कैसे सपोर्ट करें वो ताकि आप भी उनकी तरह बन सकें? वो मेरे सहयोग करें कि वो मैं भी जैसे बनना चाहूँ, मैं भी देश देश का नाम रोशन करूँ, गाँव के जिले का नाम। बिल्कुल, अब बैठ लेते हैं तसल्ली से, क्योंकि आपसे लंबी वार्ता होने वाली है। माता दी जी, आप भी हम चाहेंगे आप बैठ ले तसल्ली से, और आप क्या चाहते हैं और क्या देखते हैं कि सीरज क्या कर सकते हैं, कैसी मदद इसको मिलनी चाहिए? देश में प्रतिभाओं की कमी है। आज खली जी भी एक छोटे से गांव से निकल कर गए थे, चैनलों के माध्यम से और हमारे जिलाधिकारी महोदय ने भी काफ़ी सहयोग किया है, खली जी को सम्मानित भी किया है। तो हम चाहते हैं कि इनको तराशने की जरूरत है, जैसे गरीब परिवार से है, मजदूरी करते हैं, मजदूरी में आप करते हैं, तो उनको यदि प्रमोट किया जाए तो देश का नाम रोशन कर सकते हैं।
बताइए, जैसे आपने कहा, पहले तो आप एक सबके सपने के बारे में जानना चाहेंगे, क्या ड्रीम है आपका, क्या सोचा था आपने? मैंने पहले सोचा था सेलेक्ट जाना चाहता हूँ, रेस वगैरह प्रॉपर नहीं हो पाती है। रेस में क्या दिक्कत आती है? स्टेमिना कमजोर है, आप पैर साथ नहीं देते, क्या दिक्कत होती है? वजन है और वजन के साथ लंबाई भी है। अच्छा, वजन कितना होगा आपका? एक क्विंटल 15 किलो। एक क्विंटल 15 किलो खाली भी, आई थिंक एक क्विंटल 90 किलो के आपसे उनकी मोटाई जो है हेल्दी ज्यादा है। सीरज, बिस्तर वगैरह क्या होता है, कैसे बिस्तर लगता है आपका? 8 फीट तक बनवाए हैं और अलग से चादर वगैरह जोड़ के चादर बनाई है और 8 फुट का बेड आपके लिए तैयार होता है। कभी कोई ऐसा कहता है कि कलयुग में जो है भीम थे, जो लड़ाई हुई है महाभारत की, भीम भी विशाल गाये थे, यदुवंशी परिवार से थे, तो कभी किसी ने आपको ये भी कहा कि आप कलयुग के भीम हैं? तो हम कहते हैं यार कि आप कलयुग के भीम हैं और हौसला कभी मत हारिएगा, लगातार जो आपके सपने, आपको WWE में जैसे कहा है आपने कि जाना है, तो लगातार मेहनत करते रहिएगा। और रूटीन क्या होता है, कभी कोशिश भी करते हैं कि अपने जो ड्रीम है, सपने हैं, जैसे खाली भी लंबे थे, उन्हें भी लोगों ने बहुत ज़्यादा ताने दिए होंगे, बहुत कुछ कहा होगा, क्योंकि ये आपको जो एबिलिटी मिली है वो बहुत यूनिक है। जैसे खली बने वो आप भी बन सकते हैं, कर सकते हैं, तो कुछ करते हैं इसको लेके? सुबह जल्दी जगना हो या कुछ करना हो खास? सुबह 4 बजे आता हूँ तो टहलने भी आता हूँ 10 किलोमीटर। अच्छा, सुबह 4 बजे जग जाते हैं, टहलने भी आता हूँ, फिर अभी खेत का काम चल रहा है तो अभी नहीं आ पा रहा हूँ, तो अभी प्रॉपर नहीं हो पा रहे हैं। डाइट कितनी हो जाती होगी आपको? कितना? मैं सुबह नाश्ते में 2.5 लीटर दूध। अच्छा, और केले मिल जाएं, केले ले, नहीं तो फिर दोपहर में 11-12 बजे कम से कम फिर वो 17-18 रोटी खा जाता हूँ। 17-18 रोटी सुबह हो जाती हैं? हाँ। और रात के समय कितनी हो जाती है? 17-18 रोटी रात के समय भी हो जाती है। तो ये देखिए, हम इस वक्त जो सीरज हैं, जो बुंदेलखंड के और हमीरपुर जिले के खली हैं, खली जी से 1 इंच इनकी लंबाई ज़्यादा है, उनसे वार्ता कर रहे थे। साथ में इनके चाचा जी भी हैं और पत्रकार साथी, हम जैसा कि बता रहे हैं कि इन्होंने सबसे पहले खबर छापी है। मदन जी, क्या सोचा आपने, क्योंकि लंबाई तो बहुत पहले से देख रहे होंगे आप? हमने देखा 2017-18 के बाद से हमारे गांव में इसकी लंबाई कुछ ज़्यादा ही समझ में आ रही। अच्छा, फिर हम देखते रहे इसको। इसके बाद हमने अपने गुरु जी से चर्चा की, राजीव त्रिवेदी जी हैं, हमने उनसे चर्चा की, बस अब हमारे गांव में एक बहुत लंबा लड़का है, लगभग 7-7.5 फुट होगा। बोले नहीं यार, इतना नहीं हो सकता, उनको नापिए। तो हमने इनको नापा, हम जब उनको बताया कि 7 फुट 2 इंच है, और बोले ये तो यार खली से भी ज़्यादा है। बोले और क्या क्या है इनका? उनका इनका तो बहुत ज़्यादा कुछ है, खली से भी ज़्यादा कह दी जाए। इनके माता पिता इनको खाना नहीं खिला पाते। बोले कितना खाते? इनका 2.5 लीटर दूध पी जाए, 1 किलो मिठाई खा जाए, पता लगे सुबह फ्रेश होने भी नहीं जाता ये। अच्छा, सुबह ऐसा भी है कि अगर एक एक दिन नहीं, मतलब छोड़ दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती है? 1 किलो मिठाई भी वगैरह, गुड़ भी, आधा किलो गुड़ खा जाते हैं, आधा किलो एक बैठक में, आधा किलो गुड़, 1 किलो मिठाई, 2.5 लीटर दूध और 17-18 रोटी, ये सब हमने खिला के देखा है। ओ, चलिए सीरज जी के चाचा, हाँ और कुछ कह रहे थे आप? और जैसा कि अब परिवार गरीब परिवार है, इतना जुटा नहीं पाते इनकी डैड, तो हम यही चाहेंगे कि लोग इनके सहयोग के लिए आगे बढ़ें, इनकी प्रतिभा को तराशा जाए, यदि सहयोग मिल जाएगा तो ज़रूर ये देश का नाम रोशन करेंगे। बिल्कुल, अगर हम लोग मदद करते हैं और जो जिम्मेदार लोग हैं वो मदद करते हैं, और एचोली युवराज जी का भी गाँव है जो पूर्व में विधायक रहे हैं, तो उनसे भी कभी कोई कोशिश करी है, उनसे भी वार्ता करी है? नहीं हुई है माता दी? वार्ता हुई है, उन्होंने सहयोग के लिए कहा भी है कि सीरज से मिला जाएगा और जो भी सहयोग है किया जाएगा, और शासन स्तर पर सहयोग भी कराया जाएगा उनका। हम शासन पर अधिकारी से चर्चा करेंगे, उन्होंने साथ चर्चा भी की हो जिलाधिकारी बुलाए। अच्छा, जिलाधिकारी महोदय मिल चुके हैं आपसे? बढ़िया। चाचा जी, आपसे आते, क्या नाम है आपका? हमारा नाम करण। करण जी, तो ये बताइए, जब कोई कहता है कि आपका भतीजा, आपका बेटा इतना लंबा है, तो अच्छा लगता है आपको ये कि खबरों में बने हुए, अखबारों में भी फोटो आ रही है? और आदमी कहते हैं कि ये इतना लंबा कैसे हो गया, हमें जब उसकी लंबाई बढ़ गई तो हम क्या पता है कैसे बढ़ गई, और तो हमें पता नहीं है कैसे बढ़ती इसकी लंबाई। मतलब कहीं कहीं सुन के अच्छा भी लगता होगा, कभी कभी बुरा भी लगता होगा? बुरा भी लगता है, लेकिन आप अपने जो भतीजा आपका है, ये अच्छी बात है, चूंकि खली भी जो है देश में है, एक ऐसी प्रतिभा थे, उन्हें भी लोगों ने कहा कि कमी है, एक्रोमेगली बीमारी है, लेकिन बाद में जब उन्होंने नाम बनाया तो खली को पूरी दुनिया जानती है, पूरा विश्व जानता है। हाँ। तो आप भी कभी अपना जो भतीजा है उसे डिमोटिवेट नहीं करिएगा, उसे कहिए कि आगे बढ़ता रहे। हम तो कहते हैं कि ये जितना खा सके उतना खा। बढ़िया, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है, खाएगा तो पेट में खाएगा। बढ़िया,
कभी पहलवानी की भी कोशिश करवाई है आपने? नहीं नहीं करी है। कोशिश करनी चाहिए थी, इसी अखाड़ों में अभी मौका मिलता, हो सकता है भविष्य में अच्छी कुश्तियाँ लड़ते और आगे जाते। उस समय ज्यादा कुछ है नहीं था, अब बढ़ा लम वो भी 2018 से तो 18 में बड़ी है, 5 साल हो गए हैं। लेकिन सीरज जैसे अगर आप सोचते करते जब छोटा भी था वो उम्र भी नहीं, तो उस हिसाब से दिमाग भी काम दिमाग भी काम नहीं करता।